देखो वाई इक्वल टू 10x से डोमेन जो है -π/2 से π/2, और रेंज सारे रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब जैसे कि देखो 10x का ग्राफ कैसे होता है, -90 यानी डिग्री पे माइनस इन्फिनिटी होता है, और देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ये जीरो पे आया, 10 0 0 होता है, फिर 10 90 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। अब एक बड़े काम की बात, इन्फिनिटी पे जब कोई चीज़ ख़त्म होगी शुरू कहाँ से होगी, माइनस इन्फिनिटी। 90 से ये माइनस इन्फिनिटी पे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व आके 180, फिर ज़ाहिर है फिर ये घूमेगा यूँ, और 270 पे फिर ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब ये चला जाएगा इन्फिनिटी। अब जब चीज़ इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है कहाँ से शुरू होती है, फिर माइनस इन्फिनिटी 270 से, और ये 360। देखो 10 का ग्राफ बड़ा सिंपल है, कॉर्ड का भी इससे कुछ मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन उसमें कहानी बिल्कुल उल्टी होगी, जिसकी पहचान बड़ी आसान है। तो ग्राफ आपको सारे जहन में रखने हैं, ये एक MCQs आ जाती है, और ज़ाहिर है इनकी डोमेन और रेंज भी रखनी है। 10x की डोमेन हो गई -π/2 से π/2, और रेंज सारे रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी।